हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको यहाँ पे ऐसी चार एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आपके रेगुलर काम को, यहाँ पे रोजाना के काम को बहुत ही आसान तरीके में बहुत ही आसान बना देगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो वो चार एप्लीकेशन कौन से दोस्तों, इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहले एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बिना सोचे समझे डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से काम करने वाली है। ठीक है दोस्तों, इस एप्लीकेशन का काम क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे बता दो। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का काम है कि आपके यहाँ पे घर पे कहीं पे भी दीवार पे यहाँ पे कहीं पे भी आपको यहाँ पे कुछ भी लिखा है तो दोस्तों आप अपने फोन से इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई भी पिक्चर खींचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो इसको आसानी से कॉपी कर सकते हो। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है आपके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली, बहुत ही काम आने वाली है। सो दोस्तों आपको यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों यहाँ पे फास्ट सेव। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आपके सामने आती है। यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे किसी की भी जो है यहाँ पे स्टोरी होती है, आप यहाँ पे जो अपनी गैलरी में सेव तो करते हो लेकिन यहाँ पे बिना म्यूजिक के साथ वो यहाँ पे सेव हो जाती है, यहाँ पे म्यूजिक के साथ आपके यहाँ पे सेव नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप म्यूजिक के साथ अपनी स्टोरी को यहाँ पे सेव कर सकते हो, यहाँ पे जो कोई भी लाइव वीडियो उसको भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे जो कोई भी आपकी पोस्ट या फिर किसी भी अदर की पोस्ट है तो अपनी गैलरी में आप यहाँ पे सेव कर सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से। दोस्तों यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम को यहाँ पे चलाते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे डिस्क डीजर। ठीक है दोस्तों, इस एप्लीकेशन आपको यहाँ पे जैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप करते क्या दोस्तों, जैसे ही हम अपने मोबाइल से कोई भी फोटो को डिलीट करते हैं, यहाँ पे कोई भी काम की फोटो नहीं होते तो उसको हम डिलीट करते हैं। फाइनली आपको क्या लगता है दोस्तों, आपकी जो फोटो डिलीट की हुई फोटो जो है आपके फोन से डिलीट हो चुकी है? नहीं दोस्तों, आपके फोन से जो है वो फोटो डिलीट नहीं हुई, आपकी गैलरी से यहाँ पे वो फोटो डिलीट हो जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है आपकी वो फोटो यहाँ पे अपने फोन में ही रहती है दोस्तों। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों आप यहाँ पे कर क्या सकते हो दोस्तों, इस एप्लीकेशन में जो आपके यहाँ पे वर्षों पुरानी या फिर कितनी भी पुरानी आपकी यहाँ पे फोटो हो तो दोस्तों आप उस फोटो को यहाँ पे अपने फोन में देख सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से। तो दोस्तों उस फोटो को जो दोस्तों आप चाहो तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हो और आप चाहो तो उसे परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन कैसे लगी दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको यहाँ पे लास्ट और फाइनल एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों। ये इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों यहाँ पे सर्च बाय इमेज। ठीक है दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो इसका काम क्या है दोस्तों, इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का काम क्या, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है और उस मोबाइल से जो आप यहाँ पिक्चर खींचते हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल की क्वालिटी, कैमरे की जो क्वालिटी यहाँ पे अच्छी नहीं आती, यहाँ पे आपकी जो फोटो होती है यहाँ पे क्वालिटी में नहीं आती, यहाँ पे HD में नहीं आती, तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों यहाँ पे जो है आपकी जो फोटो होती है, जो भी यहाँ पे ब्लर होता है, जो भी यहाँ पे फोटो होती है, तो दोस्तों उसको आप यहाँ पे HD में डाउनलोड कर सकते हो, HD क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है, इसको आप यहाँ पे यूज करके देख सकते हो। तो दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे जो है इन चारों एप्लीकेशन के बारे में एक वीडियो मैं बना दूंगा, इसका पूरा रिव्यू कर दूंगा और यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूंगा कि इसको यहाँ पे यूज कैसे करते हैं, और इन चारों एप्लीकेशन की जो है लिंक है जो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।